हरे भरे खेत दोनों तरफ हरियाली देखते हुए जाओगे। बड़ा खतरनाक रास्ता है। ले फिर ले फिर यही हूं मैं। हरे भरे खेत दोनों तरफ हरियाली देखते हुए जाओगे। बड़ा खतरनाक रास्ता है। ले फिर यही हूं मैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम जा रहे हैं हमें ब्रांच पे, जहाँ से हमें ब्लॉक सिस्टम लेना है। फिर से आज जाना है रुद्रपुर और हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ, और वहाँ से अपनी गाड़ी उठा रहे हैं। ये गाड़ी खुली हुई है जिसका हमें सिस्टम ब्लॉक बोर्ड कराना है, और इस गाड़ी का हैंडल लॉक सेट पूरा टैंक सेट लाना है। ये हमें जाना है और भी बहुत सारे काम है वहाँ। वेल्डिंग मशीन भी दी है। थोड़ी देर यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, लड़के आएंगे तो हम शॉप छोड़ेंगे और ये ड्यूटी लगाएंगे दोस्तों को देखेंगे। इतनी ओवर रेस क्यों हो रही? बेटा किस्मत यार ऐसी पनौती है एंकर, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, हब पड़ेगी बस। अभी ले आऊंगा, जा रहा हूँ। अरे ढीली थी ये, तब टूट गई। इसके बोल्ट कम थे क्या इसमें? मेरे साथ यही होता है हमेशा। तो गया पूरे हब कच्ची थी यार तेरी, इसमें नट बोल्ट भी नहीं थे। दो ही नट तो थे तभी तो टूटी है, नहीं तो अगर तो ये है अपनी गाड़ी। तो सारी तैयारियां हो गई हैं। कहाँ होगा फोन अभी? ये तो है, फोन नहीं है यार। पवन को बुलाओ, पवन लो ये मैं जिस शॉर्टकट की बात कर रहा था, जो हमें सीधे यहाँ से सिद्धपुर लेके जाएगा, तो वो शॉर्टकट आगे आ गया है। मुझे लग रहा था कि वो पीछे निकल गया। इतना ध्यान नहीं रहता यार, हम आते हैं। वैसे तो मैं हर वीक आता हूँ यहाँ। ये वो शॉर्टकट है जो यहाँ से अंदर को जाता है। आपको कोई रुद्रपुर शॉर्टकट जाना होगा तो यहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है। यहाँ पर पंतनगर का थाना है, देखो थाना पंतनगर। और यहाँ से हम सीधे पूरा मटकोटा जो मोड़ है वो क्रॉस करते हुए सीधा रुद्रपुर सिद्धपुर निकल जाएंगे। सिद्धपुर से सीधा अटरिया मोड़, अटरिया मोड़ से हम सीधा अपना काम करवा के वापसी हो जाएंगे। और यहाँ पर कई सारी गौ माता है आगे। यहाँ रास्ता थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, छीनना तो पड़ेगा। खेतों से होते हुए जाता है आपका, ये भी यूनिवर्सिटी का एरिया लगता है। यहाँ पर गाड़ी के थोड़ा बॉडी पार्ट पूरे हिल जाएंगे, कोई बात नहीं। कौन सा कोई चीज़ अमर है दुनिया में? और यहाँ पे आप हरे भरे खेत दोनों तरफ हरियाली देखते हुए जाओगे। और यहाँ पर के लोग जरा मुझे देख रहे हैं कि यार राइडर अपने हाईवे से निकल के यहाँ से कैसे आ गया। तो राइडर की भी लगी पड़ी है, डीएल कैंसिल हुआ है तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सिटकुल का इंडस्ट्रियल एरिया आ गया। देखो हम सिटकुल के अंदर जाने वाले हैं अब। और इधर भी सिटकुल है, इधर भी सिटकुल है, ये लास्ट सिटकुल है मेरे ख्याल से। इतना तो मैं यहाँ आया नहीं, सिटकुल में मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक दो बार किया था कंपनी में काम, साल से मैंने किया था। कीड़े मेरे हाथ में जा रहे हैं यहाँ पे, फिर से कच्चे से आ गए। सीधा कान में भी चला गया हाँ, हेलमेट के अंदर से रोते हुए। अभी मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, और झटके लग रहे काफ़ी भयंकर। खतरनाक रास्ता है। और ये हमारी सनसेरा फैक्ट्री आ गई, सनसेरा कंपनी आएगी यहाँ पे आपको पक्के रास्ते से।
वहाँ से आओगे तो सनसेरा से चले जाना, और LGB कंपनी है ये हमारी सुजुकी कंपनी है। तो यार यहाँ से हम हाईवे पे आने वाले हैं, और देखो यहाँ पर पक्का CPO वाले और पुलिस वाले मिलेंगे और मुझे रोकेंगे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बाइक में हूँ और स्पोर्ट्स बाइक वाले राइडर हमेशा बदनाम रहते हैं, उनको पक्का पहले पुलिस वाले रोकते हैं, चाहे हेलमेट हो ना हो आपके पास। नहीं होगा तो फिर तो रुक नहीं, रोकना है, पीछे पड़ जाना है, लेकिन हेलमेट होगा तब भी आपको रोकेंगे और फाइन कागज चेक करेंगे, फाइन मारेंगे किसी ना किसी बहाने। तो देखो क्या होता है, हमारी कम्युनिटी बदनाम है, राइडर लोगों ने खुद अपने कर्मों से बदनाम किया हुआ है। मैं कहता हूँ हमेशा राइड धीरे, मैं राइड पे जाता हूँ इतने तेज चलाते हैं भयंकर, आगे निकल जाते हैं पीछे। तो यार ज़रूरी थोड़ी है कि यार तेज चलाना ही राइडिंग है, अपना धीरे धीरे चलना मतलब राइडिंग है। चालू यार, सही बहुत है। चलो अभी बहुत कुछ बना देगा वीडियो, अब तक हम सामान की डिमांड दे आते हैं एक ही आइटम पे। हाँ भैया FZ का लॉक सेट सब मॉडल में एक ही है क्या? ओल्ड मॉडल है। स्प्लेंडर का लीड लॉक, और ये लॉक सेट के साथ टैंकी का ढक्कन भी आएगा। ठीक है, लॉक, हाँ स्प्लेंडर का लीड लॉक ऊपर का टैंकी का, और क्या था एक अपाची RTR का हब चेन स्प्रॉकेट का, पुराना देना पड़ेगा। अरे यार बैग कट रहा है बार बार, इससे बहुत लोहा वाला चीज बहुत बेकार है बैग में रखना, खोलो पिटारा। ये है वो जो अभी टूटा था, इससे अब भरना पड़ेगा। ये स्प्लेंडर की हाफ किट ओल्ड है, और वो तुम्हारे मीटर गरारी प्लास्टिक वाली दो पीस दो, मैं आ रहा हूँ निकलवा देना भैया, जरा वेल्डिंग मशीन ले जा। ये श्री गुरु नानक देव जी द्वार, यहाँ पे सारे टूल मिलते हैं यहाँ पे। अब हम जाते हैं लेथ मशीन पे, तब तक हमारी लेथ मशीन, तब तक हमें यहाँ लेथ मशीन पे जाना ही पड़ेगा। तो लेथ मशीन रख के फायदा भी नहीं है, गाँव में उतना काम है नहीं। अरे यार वेल्डिंग मशीन का ब्याज, चलो कोई नहीं। बच्चों भैया बढ़िया, लो टर्बो एक्स का डाल देना पिस्टन। कितनी देर लगेगी? ठीक है कर दो। टाइम कितना हो रहा है अभी? 5 बज गए। हाय भूसा की छोटी बहन है।
हायाबुसा की भतीजी, सुजुकी का ब्रांड तो है लेकिन हायाबुसा यार बेकार चीज़ है। हायाबुसा अपने मतलब ठीक है, मेरे तो पैर ही नहीं पहुँचेंगे। भाई लोग खुद लाते मेरी गाड़ी देख के, मैं ही बोर हो गया बस। गिरेगी तो नहीं, खड़ी हो गई सीधी यार। वेल्डिंग मशीन थी हाँ वीर जी, ये बन गई कार्यशाला। न्यू है, चलो कोई नहीं देख लेना। चलो सामान निकलवाते हैं, चेक करवाते हैं, बस वहां का बिल पे कर देते हैं। तो सारा सामान ले लिया है, तो गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसे नहीं बचे यार। ये जो हब टूटी थी वो ले ली 450 रुपए की। अरे लॉक सेट बैग में डाल देते हैं ऐसे। एलएनजी भी लेनी पड़ गई। एक रुपये का उधार नहीं होता यार, और हमसे कस्टमर उधार को उधार करवा के जिंदगी बर्बाद करी है। आज तो भैया सब सच उगल जाएगा यार, सब खुलासा हो जाएगा। वैसे वीर जी होते तो उधार हो जाता, अब भैया है तो उनके अंडर में है नहीं तो वो गलत हो जाएगा। वाल सीन तो आ जाओगी। नेगेट वाली है, यार बैग खराब हो जा रहा है यार। रुको रुको तो पन्ने, डाल दो इसमें डब्बा। लाओ फोन दिखाओ, सब्सक्राइब करता हूँ। तो फ्रेंड्स सारा सामान मैंने ले लिया है और मैं फ्रेंड से भी मिल गया हूँ, और अभी पीछे पीछे जा रहा हूँ, सामने स्कूटी है।
ले फिर यही हूँ मैं। चल दोस्तों, यहाँ से हमने अपनी घर वापसी की यात्रा शुरू कर दी है और थोड़ा सा बैटरी और स्पेस फोन में बचा है कैमरे में हमारे, जो कि हम पूरा खत्म कर लेते हैं और कुछ अच्छा मोमेंट हमें मिल जाए। अब तो क्या ही मोमेंट मिलेगा वैसे, तो चलते हैं घर की ओर। रात का आप व्यू देख लो कैसा होता है रात की स्टोरी।